फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक बड़ी खबर आ रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में मेरठ के सूबेदार राम सिंह गुरुवार सुबह शहीद हो गए। वह 48 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। दरअसल बुधवार देर रात से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। इस ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। इसी दौरान घात लगाकर आतंकी ने ब्रस्ट मार दिया, जिसकी चपेट में सूबेदार राम सिंह आगर बुरी तरह से जख्मी हो गए। चिकित्सकों की टीम ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण नहीं बचाया जा सका। जैसे ही घर में सूचना मिली, परिजनों का बुरा हाल हो गया। मीडिया से वार्ता करते हुए राम सिंह के बेटे ने पिता की शहादत पर फख्र महसूस करते हुए कहा कि उसे मौका मिला तो वह भी सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहेगा। मेरे पापा 48 RR में थे, राजौरी में। यहाँ पर दुश्मन से लड़ते समय वो शहीद हुए। हमको अभी शाम को ही सूचना मिली है। क्या दिन में आपकी एक दो बार बात हुई थी? नहीं, हमारी सुबह हुई थी बात। क्या सुबह थोड़ा कॉल पे बात हुई थी, मम्मी से हुई थी। बताया था कि जंग को लेकर के क्या चल रहा है? नहीं, ऐसा पापा ने कुछ नहीं कहा। पापा बस नॉर्मल ये कह रहे थे कि यहाँ पर एक आतंकवादी है जो छुपा हुआ है गाँव में, तो उसकी हम खोज पे हैं। क्या कभी आते हैं आपके पिताजी को बैठ करके कभी कुछ देश को लेकर के बात होती है? हाँ, मेरे पापा मेरे को हमेशा देश के लिए कहते हैं कि मतलब देश के लिए कुछ ना कुछ करना है अपने देश के लिए। आज कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? मेरे को इस बात का बहुत फिक्र है। मेरे पापा देश के लिए शहीद हुए। मेरे को भी अगर मौका मिलेगा तो मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहूँगा और अपने देश के लिए कुछ करना चाहूँगा। हम 5 भाई हैं, मैं एक लौटा लड़का हूँ और 4 सिस्टर्स हैं। हाँ, मैं CDS हूँ जी सर। मेरे पापा मेरे को हमेशा बचपन से ही, मेरे पापा IMA में थे पहले, ड्रिल इंस्ट्रक्टर। मेरे पापा ऑफिसरों को ट्रेन करते थे वहाँ पर, तो वो देख देख के मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँ, मैं भी IMA ज्वाइन करूँ। आखिरी टाइम मेरे पापा ने कहा कि बेटा जो भी है तुम अपना तैयारी करो, हमारे साथ खड़ो। रिटायरमेंट का समय नजदीक था, कब रिटायरमेंट? फरवरी 2022 में 28 फरवरी 2022। शहीद सूबेदार राम सिंह का पार्थिव शरीर अभी उधमपुर में रखा गया है। समझा जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर तक पार्थिव शरीर मेरठ गंगानगर लाया जाएगा। सेना के 16 गढ़वाल में शामिल हुए सूबेदार राम सिंह मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। लंबे समय से मेरठ में परिवार के साथ रह रहे थे। 2.5 साल से वह राष्ट्रीय राइफल के साथ कार्यरत थे और फरवरी 2022 में वह 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनी रहेगी हमारी नज़र। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।